नमस्कार दोस्तों, गीताकिन्नु.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। ये सर्दियों का सीजन है, हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, तो मैंने क्यों सोचा क्यों ना आज शिमला मिर्च बनाई जाए। शिमला मिर्च काट कर अगर बनाए तो कोई भी नहीं पसंद करता, पर भरवा शिमला मिर्च हो तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। करीब आधा किलो शिमला मिर्च ली है और उसके बीच का हिस्सा मैंने चाकू की सहायता से निकाल लिया है, ये देखिए। और मैंने इसे साफ करके धो के अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने एक टेबल स्पून तेल ले लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा भुनते ही हम उसके बाद प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए एक कप। प्याज को अच्छे तरीके से भुनना है हमें, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें हम 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे। इसे चलाते रहें, नहीं तो मसाला जल सकता है। अब इसमें करीब हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। वन टीस्पून गरम मसाला आंच को धीमा कर देंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। हमें इसे 2-3 मिनट तक भूनना है। इसे भूनने के बाद अब इसमें हम बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके डालेंगे। मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और अब मैं उन्हें मैश करके डाल रही हूँ। ये मसाला मैं आधा किलो शिमला मिर्च के लिए बना रही हूँ। आलू को हम अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे। भुनने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और आलू को अच्छे तरीके से चाट मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है। गैस को आप हाई फ्लेम पर रखें। हमारी शिमला मिर्च की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर और ठंडा कर लेंगे। अब हम स्टफिंग को चम्मच की सहायता से इसके अंदर शिमला मिर्च के अंदर भरेंगे। ऐसे दबा दबा के अच्छे तरीके से भरना है इसे।
खूब अच्छे से टाइट से भरना है हमें इसे, पूरा अंदर से खाली ना रहे बिल्कुल भी। इसी तरीके से हम सारी शिमला मिर्च भर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी शिमला मिर्च भर ली है, अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। हमें इसे हल्का शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ये पकेंगी। ये देखिए मैंने भर ली है। कढ़ाई दोबारा से गैस पे रख दी है, हम इसमें अब सारी शिमला मिर्च रख देंगे। और इसके ऊपर हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब हमें हल्का हल्का डालना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अब हम इसे कवर कर देंगे और आंच को मीडियम पे कर देंगे। तो हमें शिमला मिर्च को पलटते रहना है, नहीं तो ये एक तरफ से ही जल जाएंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से इसे पलट देना है दूसरी साइड से। ये देखिए इसे ब्राउन कलर आने लगा है, हमें यही ब्राउन कलर हर साइड पे चाहिए। आंच पर बिल्कुल धीमा कर दीजिए और इस तरीके से हमें बीच बीच में पलटते रहना है। ये देखिए मैंने पलट दिया है और फिर वापस इसे ढक दीजिए। इसे पलटेंगे, हमें इसे हर 2 से 3 मिनट बाद पलटना है क्योंकि हमें इसी तरीके की ब्राउनी चारों तरफ चाहिए। और जब तक कि हमारी पूरी शिमला मिर्च गल ना जाए, हम इसे ऐसे ही पलटते रहेंगे। हम इसे फिर से ढक देंगे। देख सकते हैं कि हमारी शिमला मिर्च चारों तरफ से पक चुकी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल सकते हैं। देखिए हमारी भरवा शिमला मिर्च रेडी हो चुकी है, देखिए बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।